अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल दोस्तों। आज बात करेंगे कोरोना की बीमारी और उसके जो अखराजात हैं, जो एक्सपेंसेस हैं कोविड-19 की ट्रीटमेंट के, खा वो टेस्ट हो या ट्रीटमेंट हो। तो कुछ दिन पहले जो है ओमान में ये न्यूज़ चल रही थी कि कौन पे करेगा, कौन पे करेगा, इंश्योरेंस पे करेगी। बहुत सारी जो है गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन भी कर दी थी न्यूज़ की कि ये जो ऐसे ऐसे जो है वो स्टेप्स होंगे, और मोस्टली यही कहा गया था कि किसी के भी जिसका स्पॉन्सर है उसका स्पॉन्सर पे करेगा, अगर उसकी इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस के मुताबिक, जैसी उसकी इंश्योरेंस है पॉलिसी उसके मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसके ट्रीटमेंट के अखराजात जो है पे करेगी। आज फिर जो है सुप्रीम कमेटी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद वाजा कर दिया कि कोई भी बंदा रेजिडेंट लोकल हो, एक्सपैट्स हो, यानी ओमानी हो या कोई खारजी हो, वो एक सिंगल पैनी भी जो है वो कोरोना की जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, उसके ऊपर खर्च नहीं करेगा, खा वो टेस्ट हो, ट्रीटमेंट हो, कुछ भी हो। आपने आपको अगर सस्पेक्टेड है आप जाएंगे हॉस्पिटल, टेस्ट होगा, अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, पॉजिटिव आता है, ज़्यादा सीवियर है तो ट्रीटमेंट जो है वो किया जाएगा। ये नहीं है कि आप जो है ना पैसा नहीं है या मुझे सपोर्ट नहीं है, मेरा स्पॉन्सर नहीं देगा, मेरी इंश्योरेंस नहीं है तो मैं जो है मेरा क्या होगा। बहुत सारी ऐसी डेथ हुई हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इसी वजह से, इसी रीज़न से हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए और उनकी डेथ हो गई। अगर वो टाइम पर आते हैं, वो इनमें से कहा गया है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया कि उनके पास पैसे नहीं है या उनका स्पॉन्सर नहीं पे कर रहा या इंश्योरेंस नहीं है, ये वो हॉस्पिटल नहीं गए इलाज के लिए और उनकी डेथ हो गई। एक डेथ में इंक्रीज़ का जो रीज़न है उन्होंने ये भी बताई थी कि बहुत सारे मरीज़ टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुँचे। तो अब किसी भी बंदे को, वो ओमानी हो, खारजी हो, कोरोना की ट्रीटमेंट के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल फ्री होगी। गवर्नमेंट जो है वो टेक केयर करेगी, आपने हॉस्पिटल जाना है, बताना है। अगर आप नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे और आपका स्पॉन्सर भी नहीं कर पा रहा, आपकी जो है इंश्योरेंस है नहीं है तो वो भी नहीं कर पा रहे, कोई पार्टी जो है वो बियर नहीं कर रही, तो गवर्नमेंट जो है वो खुद बियर करेगी। दे क्लियरली मेंशन दिस। सो इंशाल्लाह खैर, दुआओं में याद रखिएगा। और कोई भी आपको ऐसा लगे बंदा जो सस्पेक्टेड है लेकिन वो इस डर से नहीं जा रहा कि उसके पास पैसे नहीं है, पैसे कौन पे करेगा, तो वो बिला खौफ व झिझक जो है वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए जाए। इंशाल्लाह गवर्नमेंट, ओमान गवर्नमेंट जो है, दे विल टेक केयर, दे विल टॉक टू देयर स्पॉन्सर एंड दे विल टॉक टू इंश्योरेंस एज वेल। सो इंशाल्लाह खैर, दुआओं में याद रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।